सागर, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह शिट, अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मैं क्या करूँ? दीपांशु, मुझे ना बहुत जोर से प्यास लगी है, तुम मेरे लिए पानी लेकर आओगे क्या? पानी? हीरा ना, लो पी लो। वो मुझे ना बहुत तेज भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तुम मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओगे क्या? ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं लेकर आता हूँ। मैं कहीं पर छुप जाती हूँ जल्दी से। भाई साहब। हाँ जी बताइए। यहाँ एक लड़की बैठी थी, आपने देखी क्या? नहीं यार, पार्क में एक्चुअली काफ़ी लड़कियाँ बैठी रहती है, अब मैं कैसे बता सकता हूँ कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो? अच्छा मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। हाँ श्योर, ये देखिए। अच्छा ये लड़का है वो, अब ये आपकी गर्लफ्रेंड है? हाँ जी भाई साहब, गर्लफ्रेंड है मेरी, थोड़ी देर पहले यहीं बैठी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा तो मुस्कान मुझे सच में धोखा दे रही है। भाई साहब कहाँ खो गए, देखी क्या आपने? नहीं सॉरी, मैंने इनको नहीं देखा, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछ लो। ठीक है, थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रही हो यार, कब से वहाँ ढूंढ रहा हूँ तुम्हें मैं। वो मैं तो बस मस्ती कर रही थी। अच्छा एक बात बताओ, जिसके साथ तुम बात कर रहे थे वो चला गया क्या? हाँ चला गया, लेकिन उसके बारे में क्यों पूछ रही हो तुम? वो एक्चुअली ना मेरे घर के पास ही रहता है, अगर वो हमें देख लेता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। अच्छा कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, वो चला गया, तुम ये लो। लेकिन इससे पहले वो हमें देख ले, हम यहाँ से चलते हैं। ठीक है चलो। कहाँ जा रही हो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इस लड़के के साथ। आप जैसे सोच रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बस मेरा दोस्त है। दोस्त है? मुस्कान मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा दोस्त है फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तो मेरे आगे तो तेज चलने की जरूरत है नहीं, समझे तुम? भाई साहब आप एक बार इसकी बात तो सुन लीजिए। तो चुप खड़ा रहेगा, और वैसे भी हस्बैंड वाइफ का मैटर है, बीच में ना बोले ना तो बेटर रहेगा तेरे लिए। क्या ये वाइफ है आपकी? हाँ शी इज माई वाइफ। और तुम? अरे कितना प्यार किया था तुम्हें, क्या कमी छोड़ी थी मैंने अपने प्यार में? हर ख्वाहिश तुम्हारी पूरी की थी, तुम्हारे बोलने से पहले हर चीज घर में आ जाती थी, लेकिन मुझे लास्ट में धोखा मिलेगा, कभी मैंने सोचा नहीं था मुस्कान। ऐसे सच बताऊँ ना, शक तो मुझे बहुत टाइम पहले से ही हो गया था, लेकिन बस कंफर्म करना था। और आज देखो ना, मैं तुम्हें रंगे हाथ पकड़ भी लिया। एक्चुअली बात ये हुई कि मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया, और उसने बताया कि ये तो भाभी है ना, ये साथ में लड़का कौन है? अभी सागर को बता तुम। हेलो भाई, भाभी यहाँ पे पार्क में किसी लड़के के साथ घूम रही है। पे क्या बकवास कर रहा है तू? भाई मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा विश्वास कर, अगर तुझे विश्वास नहीं है तो तू खुद आके देख ले। ठीक है मैं आता हूँ, तू नजर रख उस पे। ठीक है। अब समझे तुम, और आज के बाद ना अपनी बदसूरत शक्ल ना मुझे दिखा मत देना। सागर प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो। अरे बस करो यार, सुनना सुनाना सब खत्म हो गया। अब रही बात डिवोर्स की ना, तो डिवोर्स के पेपर आज शाम तक तुम्हारे घर आ जाएंगे, साइन करके चुपचाप वापस भेज देना, बाकी बची हुई जिंदगी गुजारना अपने इस बॉयफ्रेंड के साथ। गुड बाय। सागर, सागर प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो।